जय श्री राधे, राधे कृष्ण आप सभी का आपके, आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आइए आज आप, आप, आप सब सुनेंगे अधिक, अधिक मास, मास पुरुषोत्तम मास, मास की, की अंतिम तीसवे अध्याय की कथा तक अब तक, तक आपने पिछले अध्याय कथा को नहीं श्रवण किया हो तो आप हमारे चैनल पे जाकर के वहाँ से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं हिंदू धर्म में अधिक मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है अधिक मास में भगवान, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना भगवान विष्णु का पूजन करना भूमि पे शयन करना जितने भी प्रकार, प्रकार के, के दान पुण्यों के पुन्यों कार्य किए जाए इसका, इसका कई गुणा पुण्य फल माना गया है वही पे, पे अधिक मास में पाप कर्म किए जाते हैं तो उसका भी फल अधिक माना गया है तो आइए आज आप सब सुनेंगे अधिक मास अंतिम अध्याय तीसवे अध्याय की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय माता लक्ष्मी की जय भगवान श्री कृष्ण की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय सर्व देवी देवता की जय जी बोले कि हे तपोनी थे। तुमने पहले पति व्रता स्त्री की प्रशंसा की अब आप उनके सब लक्षणों को मुझसे कहिए श्री सूत जी बोले कि हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों इस प्रकार नारद मुनि के पूछने पर स्वयं प्राचीन मुनि नारायण ने पति व्रता स्त्री के लक्षणों को कहा श्री नारायण बोले, बोले कि हे नारद सुनो मैं, मैं पति व्रताओं के उत्तम व्रत को कहूंगा पति कुरूप हो कुछ व्यवहार वाला हो अथवा स्वरूपवान हो रोगी हो पिशाच हो क्रोधी हो मद्यपान करने वाला हो मूर्ख हो मूक हो अंधा हो अथवा बधिर हो भयंकर हो दरिद्र हो कुपण हो हो, दीन हो अन्य स्त्रियों में आशक्त हो परंतु सती स्त्री सदा वाणी, शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार नहीं करे बाला हो युवती हो अथवा वृद्धा हो परंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने गृह में भी कुछ कार्यों को नहीं करे अहंकार और, और काम क्रोध का सर्वदा त्याग कर पति के मन को, मन को सदा प्रसन्न करती रहे और, और दूसरे मन के तो को मन को कभी भी, भी प्रसन्न नहीं, नहीं करे जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित देखी जाने पर प्रिय वचनों से प्रलोभन देने पर अथवा जन समुदाय में स्पर्श होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने हजार वर्ष तक वह स्त्री तो स्वर्ग में वास करती है दूसरे पुरुष के धन के लोभ देने पर जो स्त्री पर, पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है दूती की प्रार्थना करने, करने पर भी बल पूर्वक पकड़ी जाने पर भी वस्त्र आभूषण आदि से आच्छादित होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है तो वह सती कही जाती है जो दूसरे से देखी जाने पर नहीं देखती है और हसाई जाने पर भी नहीं हंसती है बात करने पर बोलती नहीं है वह उत्तम लक्षणों वाली पतिव्रता स्त्री होती है रूप यौवन से युक्त और गाने नाचने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है वह स्त्री सती है स्वरूपवान जवान मनोहर कामिनियों का प्रिय ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री इच्छा नहीं करती तो वह महासती कही गई है पति दताओ को पति के सिवाय दूसरा देवता मनुष्य गंधर्व भी प्रिय नहीं होता इसलिए स्त्री अपने पति का अप्रिय कभी नहीं करे जो पति के भोजन करने पर भोजन करती है दुखित तो होने पर दुखित तो होती है प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है प्रदेश जाने पर महिला वस्त्र को पहनती है जो पति के सो जाने पर सोती है और पहले जागती है पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है जो दूसरे को चित्त से नहीं चाहती वह पति तथा स्त्री है सास ससुर में भक्ति करती है और विशेष करके पति में भक्ति करती है धर्म कार्य में अनुकूल रहती है धन संचय में अनुकूल गृह के कार्य में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है खेत से वन से ग्राम से पति के आने पर, पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे नित्य प्रसन्न मुख रहे समय पर भोजन देवे भोजन करते समय कभी भी खराब वाणी नहीं कहे गृह में प्रधान स्त्री सदा आसन भोजन दान सम्मान प्रिय भाषण में तत्पर रहे गृह के खर्च के लिए स्वामी ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धि पूर्वक कुछ बचा ले, ले। दान के लिए हुए धन से लोभ करके कुछ कोर कसर नहीं करे और बिना पति की आज्ञा से अपने बंधुओं को धन नहीं देवे दूसरे के साथ बातचीत असंतोष दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत अत्यंत हंसना अत्यंत रोष और, और क्रोध को पति, पति ब्रता स्त्री छोड़ देवे पति जिस वस्तु का पान नहीं करता है जिस वस्तु को नहीं खाता है जिस वस्तु का भोजन नहीं करता है उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री त्याग करे तेल लगाना स्नान शरीर में उपटन लगाना दांतों की शुद्धि पति ब्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए करे मुनि त्रेता युग में स्त्रियों को प्रतिमास रजो दर्शन होता है उस दिन से तीन दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है प्रथम दिन शान डालनी है दूसरे दिन ब्रह्म घातनी है तीसरे दिन रज की है चतुर्थ दिन शुद्ध होती है स्नान शौच गाना रोदन हसना सवारी पर चढ़ना मालिश स्त्रियों के साथ जुआ खेलना चंदनादी लगाना विशेष करके दिन में शयन दातुन करना मानसिक अथवा वाचिक मैथुन करना देवता का पूजन करना देवताओं को नमस्कार रस वाला स्त्री नहीं करे रसवला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत नहीं करे रस वाला तीन रात तक अपने मुख को नहीं दिखाए जब तक शुद्धि स्नान नहीं करे तब तक अपने वचनों को नहीं सुनावे रस वाला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को नहीं देखे सूर्य नारायण को देखे बाद पंच गव्य का पान करे अपने शुद्धि के लिए केवल पंच गव्य अथवा दूध का पान करे श्रेष्ठ स्त्री कहे हुए नियम में स्थित रहे यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियम में तत्पर रहे वस्त्र आभूषण अलंकार आदि से अलंकृत रहे और पति के प्रिय करने में, में प्रयत्न पूर्वक तत्पर, तत्पर रहे, रहे प्रसन्न मुख रहे अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वास्तु पूजन में तत्पर रहे खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे सूप की हवा शरीर में नहीं लगे मृत वसा आदि का संसर्ग दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री नहीं करे भद्दी चीजों को नहीं देखे भयंकर कथा को नहीं सुने गरिष्ठ और अत्यंत उष्ण भोजन नहीं करे और उजीर्ण न हो ऐसा भोजन करे इस विधि से रहने पर पति स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है अन्यथा गर्भ गिर जाता है अथवा अस्तंभन हो जाता है अपने गुणों से हीन, दूसरी सौत की निंदा नहीं करे ई राग से होने वाले मत सरता आदि के होने पर भी सौत स्त्री परस्पर में अप्रिय वचन नहीं कहे दूसरे के नाम का गान न करे और दूसरे की प्रशंसा नहीं करे पति से दूरवास नहीं करे किंतु पति के समीप में वास करे और पति के कहे हुए स्थान में पृथ्वी पर पति के सामने मुख करके वास करे स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखे और दूसरे पुरुष को नहीं देखे पूर्वक पति के मुख कमल को देखे पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री श्रवण करे पति के भाषण के समय स्वयं स्त्री बातचीत नहीं करे रति में उत्कंठा वाली स्त्री पति के बुलाने पर शीघ्र रति स्थान को जाए पति के उत्साह पूर्वक गाने के समय स्त्री प्रसन्न चित्र से श्रवण करे गाते हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जावे पति के समीप व्यंग चंचल चित्त से व्याकुल हो नहीं बैठे कलह के योग्य होने पर भी पति के साथ स्त्री कलह न करे पति की निंदा न करे निंदा की जाने पर तारीत होने पर भी पति व्रता स्त्री व्यतीत दुखित होने पर भी भय छोड़कर पति को कंठ से लगावे ऊंचे स्वर से रुदन न करे और पति को कोसे नहीं स्त्री अपने गृह से बाहर भागकर न जाए यदि बंधुओं के यहाँ उत्सव आती में जाए तो पति की आज्ञा लेकर और अध्यक्ष रक्षा से रक्षित होकर जाए और वहाँ अधिक समय तक वास न करे पति बताए स्त्री अपने घर को लौट आवे पति के विदेश यात्रा के समय अमंगल वचन को न बोले निषेध वचन से मना न करे और उस समय रुदन न करे पति के देशांतर जाने पर नित्य उपटन न लगावे और जीवन रक्षा के लिए स्त्री निंदित कर्म को न करे ससुर सास के पास शयन करे अन्यत्र शयन न करे और प्रतिदिन प्रयत्नों पूर्वक पति के समान की खोज लेती रहे पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए दूत को भेजे और प्रसिद्ध देवताओं के समीप मांगलिक याचना करे पति के प्रदेश जाने पर पति व्रता इस प्रकार के कार्यों को करे अंगों को न धोना मलिन वस्त्र को धारण करना तिलक न लगाना आंजन न लगाना सुगंधित पदार्थ माला आदि का त्याग नक, बाल का संस्कार न करना दातु में आदि न लगाना ऊंचे स्वर में हंसना दूसरे से हंसी, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना स्वच्छ भ्रमण करना दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना एक वस्त्र से घूमना लज्जित रहित होकर चलना इत्यादि दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। गृह कार्यो को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार को करे खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के समीप जाए स्त्री के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त स्त्री पति से बुलाई जाने पर गृह के कार्यों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे कि हे स्वामी किस लिए बुलाया है कृपा पूर्वक कहे द्वार पर अधिक समय तक खड़ी न हो द्वार का सेवन न करे स्वामी से मिली हुई चीजें दूसरे को कभी न देवे पति के उच्छिष्ट मीठा अन्न फल आदि को यह महाप्रसाद है यह कहकर निरंतर प्रसन्न रहे सुख से सोए सुख से बैठे स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए और आतुर कार्यों में पति को नहीं उठावे अकेली कहीं न जाए नग्न होकर स्नान न करे पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पति व्रता न समझे उखल मूशल, झाड़ू पत्थर यंत्र दिल्ली पर पति व्रता कभी न बैठे तृथ में स्नान की इच्छा करने वाली स्त्री पति के चरण रज को पीवे स्त्री के लिए शंकर से भी अथवा विष्णु भगवान से भी अधिक पति ही कहा गया है जो स्त्री पति का वचन न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है वह पति के आयुष्य का हरण करती है और मरने के बाद नरक हो जाती है किसी कार्य के लिए कही जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है वह ग्राम में कुतिया होती है और निर्जन वन में सियारणी होती है स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करे भोजन करे जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली मिठाई खाती है वह वृक्ष के खोखड़े में सोने वाली क्रोडो उलूकी होती है जो स्त्री पति का त्याग कर अकेली एकांत में फिरती है वह ग्राम में सुखड़ी होती है अपना अथवा अपनी विष्ठा को खाने वाली गोह होती है जो स्त्री पति को हुकार कर अप्रिय वचन बोलती है वह मुख अवश्य होती है जो अपनी के साथ सदा ऐसा करती है वह दूसरे जन्म में दुर्गभा होती है जो स्त्री पति की दृष्टि बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है वह कानी होती है अथवा विमुखी और कुरूपा होती है जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल आसन तांबूल व्यंजन पैर को दबाना आदि अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है वह स्त्री पति व्रताओ में शिरो रत्न के समान पंडितों से कही गई है पति देवता है पति गुरु है पति धर्म तीर्थ दत्त है इसलिए सबका त्याग कर एक पति का ही पूजन करे जिस तरह जीव से हीन देह क्षण भर में असूचित हो जाता है उसी प्रकार पति से हीन स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती है आशीर्वाद को देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सर्प के समान त्याग देवे ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं कि पति के जीवित तथा मृत दशा में सहचारिणी हो इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए इस प्रकार पति व्रता स्त्री को भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर रहनी चाहिए जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सर्प को निकाल लेता है उसी प्रकार सती स्त्री यम दूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है यमराज के दूत दूर से ही पति स्त्री को देखकर पाप कर्म करने वाले भी उसके पति पति को छोड़कर भाग जाते हैं जितनी अपने शरीर में रोम की संख्या है उतने दश कोटि वर्ष पर्यंत पति तथा स्त्री पति के साथ रमण करती, करती हुई स्वर्ग सुख को भोग करती है दुष्ट व्यवहार वाली स्त्रियां शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबो देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखित रहती है यदि देववश पति के पीछे पति का अनुगमन नहीं करती है तो उस दशा में शील की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि शील को तोड़ने से नरक दोष से पिता और पति स्वर्ग से गिर जाते हैं विधवा स्त्री का कबरी बंधन पति के बंधन के लिए होता है विधवा स्त्री सर्वदा शिर के बालों को मुड़ा देवे एक बार भोजन करे कभी भी दूसरी बार भोजन नहीं करे खाट पर सोने वाली विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है इसलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोवे अंगों में उपटन नहीं लगावे और तांबूल को न खाए सुगंध का सेवन विधवा न करे प्रतिदिन कुश तिल जल से पति का तर्पण करे और पति के पिता का तथा उसके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करे सदा श्वेत वस्त्र धारण करे ऐसा न करने से रौरव नरक हो जाती है इस प्रकार नियमों से युक्त जो भी नियमों का पालन करती है वह विधवा स्त्री पति व्रता है श्री नारायण बोले लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है जब पति प्रसन्न होते हैं, तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है यदि पति कुपित तो होते हैं तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है उस पति से संतान विविध प्रकार के भोग, भोग शैया आसन अद्भुत प्रकार के भोजन वस्त्र माला सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार के यश प्राप्त होते हैं इस प्रकार से श्री ब्रह नारदीय पुराने पुरुषोत्तम मास महात्मा कथा में तीसवे अध्याय की कथा पूर्ण हुई तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय माता लक्ष्मी की जय श्री राधा कृष्ण की जय पुरुषोत्तम भगवान की जय सर्वदीप देवी देवता की जय तो आशा करता हूँ कि आपको एक से लेकर के तीस अध्याय कथा जो कि आपको अच्छा लगा हो इसी प्रकार से कथा आदि को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का, का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे वीडियो को लाइक करें, करे, करे, शेयर करें करे, करे,